बेटे हम तो यहाँ बैठे हैं ज्ञान बांटने के लिए, जिनको लेना है वो लेंगे और जिनको नहीं लेना है बाय। क्या बेटा क्या क्या रहते तो मैं सब समस्याओं का जड़ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, चाहे जैसे भी कानून लेके आना। बस मुझे मैं तो एक लाइन बोलता हूँ ना, इंडिया का, इस देश का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये यहाँ का है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहले मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी को बेवकूफ नहीं है, वो बहुत दिमाग वाले हैं। जो बढ़ता हुआ जो पॉपुलेशन है उसको क्या कहते हैं कि कम कर रहे हैं, इनएडिक्वेट दैट देखेंगे। मैंने कल आप लोगों को बताया था इस चार्ट में कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या अभाव से हमें क्या क्या बीमारियां होती है। लेवल्स ऑफ इमीडिएट कॉज, ये भी मैंने आपको बताया था। इमीडिएट कॉज क्या होगा, जैसे देखेंगे, एक सेकंड को ब्राइटनेस बढ़ा दो, देखिए। There exist various levels of immediate cause. For example, if few babies are suffering from loose motion, we can say that an immediate cause of infection or disease. मैंने कल बताया भी था, कोई ना कोई इन्फेक्शन लग गया बच्चों को, कहते हैं ना, या तो मान लीजिए कि डायरिया हो गया तो कोई इन्फेक्शन लग गया है, या और भी कोई रीजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो सड़क पे, अचानक जब आप छींकने लगो तो क्या होगा, एलर्जी होगी भाई, डस्ट या धूल आ गया नाक में चला गया, तो उससे हमको ये स्नीजिंग होने लगी। ये सारी बातें तो उसके गोटे पकड़ लीजिए, भगवान ही होगा। हाँ होते हैं बहुत सारे, वो तुक्का होता है, एक अच्छा तुक्का। बात समझ में आ रही है आपको जी बेटे? एक्सपीरियंस मतलब कि लड्डू, एक्सपीरियंस क्या, आपने जब तक डायग्नोसिस नहीं किया मतलब कि, तो इतने दुनिया में लोग पागल थे जिन्होंने ब्लड टेस्ट सब सारी चीज बना रखा है। ऐसे ही है ना, महात्मा डॉक्टरों के ना गलती से लोगों को ब्लड कैंसर हो जाता है। मैं बिल्कुल मतलब समझाऊंगा आपको। अगर किसी को टीबी की बीमारी नहीं हो, मलेरिया की बीमारी नहीं हो, अगर आपने उसका इंजेक्शन उसको इंजेक्ट कर दिया, उसको ब्लड कैंसर हो जाएगा। मेरे जानकार के दो लोग ऐसे मरे हैं, और छोटे बच्चे जो 10th में ही थे, एक तो 9th में बच्चा था, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ अरुण, ये सरदार का बड़ा भाई है ना अरुण, उसका क्लास में दीपांशु, और क्या पहचानते हो तुम? बिल्कुल, मैं भी जानता हूँ, मैंने पढ़ाया उसको 2 साल। अच्छा बच्चा था, बहुत सीधा बच्चा था वो, वो था। और एक था मेरा क्लासमेट, जब मैं 10th क्लास में था 2003 में, तो सिराज आलम मुस्लिम था, उसको भी यही दिक्कत हो गई थी, वही उसको कुछ बुखार उखार था, उसको मलेरिया का इंजेक्शन लगा दिया सबों ने बिना जांच पड़ताल किए। क्या कौन साबित कर पाएगा और कौन जाता है, वही बात थी। कुछ नहीं होता, अब जिसका खोया कौन जाते दरवाजे दरवाजे जाके के माथा पटकता है। देखिए छुड़े, तो एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज, इन्फेक्शस, नॉन इन्फेक्शस डिजीज, आप लोगों को पता है।
इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, मच्छर मक्खी जो भी वायरस है, सब बता ही रखा था मैंने आप लोगों को, सॉरी वेक्टर था ना, इन्फेक्शियस एजेंट क्या होंगे, वायरस बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजोआ ये सारे होते हैं। वायरसेस से होने वाले कौन कौन सी बीमारियां थी मैंने कल ही आप लोगों को बताया भी था, ये चार्ट याद करिएगा। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, एयरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि आपको मैंने बताया था एड्स, फॉर्माइट बोन डिजीज जी, हाँ इस सबका यही आ रहा है। सबसे आसान ज्योग्राफी, अब तो मेरी नजर में और क्या भाई, तो मुझे जो अच्छा लगेगा वही बोलेंगे ना। सबसे आसान तो मेरे को बेटा, सबसे आसान, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार तो मेरे को साइंस ही लगता है। सबसे जी केमिस्ट्री पढ़, बायोलॉजी क्या है ना, रट्टाफिकेशन है इसमें, आपको रटना पड़ेगा। केमिस्ट्री आप आसानी से कर लोगे, फिजिक्स चैलेंज पैदा करता है। फिजिक्स है ना साइंटिस्ट लैंग्वेज है, समझ रहे ना, वहां पर तो वैज्ञानिक वाला जोर दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होगा। आप क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कि मैंने रिवीजन के लिए एक वीडियो बनाई हो, बात समझ रहे हैं ना, मैं इस बार क्या करूंगा सेकंड टर्म में, कि जो भी चैप्टर कराएंगे ना एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे उसकी, कि एक ही वीडियो मोशन की होगी एक घंटे की 45 मिनट की, तो पूरा चैप्टर उसमें कवर हो गया कि मेन मेन चीजें आपको रिकैप करा दिया। हाँ जी, उससे फायदा होगा, जैसे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पूरी क्लास रिकॉर्ड है ना इसमें। कौन जी, जी बढ़िया है, सिम्टम ऑफ डिजीज देखेंगे। अब सिम्टम ऑफ डिजीज क्या है, पॉइंट ऑफ एंट्री एंड प्लेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब इनसाइड ह्यूमन बॉडी। तो पहले कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी डिजीज में है, उसको डिजीज लग रखी है, बीमारी हो रखी है। आवर बॉडी इज क्वाइट लार्ज इन कंपैरिजन टू एनी टाइप ऑफ माइक्रोब, सो देर आर मेनी पॉसिबल एरियाज ऑर्गन्स और टिश्यू विद इन आवर बॉडी वेयर माइक्रोब्स कैन रेसिड। हमारे शरीर में कहीं भी माइक्रोब रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज रिलेटेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री, सॉरी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब अपीयर टू हैव इवॉल्व टू मूव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज रिलेटेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ द माइक्रोब इंटर फ्रॉम द एयर वाई द नोज, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। अगर एयर के थ्रू कोई माइक्रोब या माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर करता है तो आपके नोज के रास्ते जाएगा, और नोज के रास्ते जब ब्रीथ करते हो तो एयर कहाँ जाती है, फेफड़ों में, तो लंग्स में आपका इन्फेक्शन होगा। कोविड में क्या होता है, आप लंग्स या माउथ से जो एयर ब्रीथ करते हो उसी के थ्रू जाता है वो वायरस अंदर, ठीक है ना, और जाएगा तो क्या होगा, लंग्स में को हमारे इफेक्ट करता है। उसके बाद दिस हैपेंस इन काउज ऑफ बैक्टीरिया विच सॉरी गई their mood nahi tha mera, they are likely to go to the lungs. This happens in a case of bacteria when cause which cause tuberculosis of lungs. Tuberculosis of lungs bhi isi tarah hota hai sir, bolte chapter dekhe sab na ye topic dekhna padega mere ko, ha topic to dekhna padega na, dekho mera to ye manna hai na ki chahe कितना भी मुझे नॉलेज हो चाहे कुछ भी हो, आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है थोड़ा, मुझे पढ़ाना क्या है, मैं थोड़ा है ना भटक जाऊंगा, इसलिए मैं ना बुक देख के पढ़ाना प्रिफर करता हूँ, ताकि खोपड़ी कहाँ है मेरे पास, वीडियो अपलोड भी नहीं किए, संडे को बैठ के सब करेंगे, कोई बात नहीं, देखेंगे। दूसरा है सिम्टम एंड साइंस,
कुछ ना कुछ सिम्टम या दिखता है ना, जैसे आदमी को फीवर होगा ना तो चेहरा ही बुझा बुझा सा लगेगा हमेशा, है ना, नोजी उजी की प्रॉब्लम रहेगी, नोजी प्लस इमोजी नोजी वाली इमोजी. सिम्टम्स आर एविडेंस, सिम्टम्स आर एविडेंस दैट पॉइंट टू बी प्रेजेंस ऑफ डिजीज. दे आर विजिबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन द बॉडी और बॉडी पार्ट. दे इंडिकेट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी. जैसे ही आप बॉडी पार्ट्स में देखेंगे कुछ ना कुछ आप, तो आपको फील होगा. जैसे मान लीजिए किसी को फीवर है, आप सर पे या हाथ पे अगर रखोगे उसके, अगर टच करोगे तो आपको पता चलेगा बॉडी हीट हो रहा है, वो एक सिम्टम है. कोई बार बार छींक रहा है ना, या मान लीजिए स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि उसको कोल्ड हो रखा है. कोई बार बार खांस रहा है तो पता चल जाएगा कि उसको क्या कहते हैं, ये कफ की प्रॉब्लम हो रखी है. तो इस तरह से देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि मेरे, मैं जब छोटा था, कल का क्या पता. देखिए, अब देखो सिम्टम और साइन में क्या अंतर होता है. नहीं कहते कि सिम्टम और साइन बीमारियों के दिख रहे हैं, तो सिम्टम अलग होता है, साइन अलग होता है. अब सिम्टम क्या होता है, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज. सिम्टम के बारे में बता रहे हैं, सिम्टम यह बताता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो रखी है. सिम्टम ये भी कहता है, सिम्टम आर अ कलेक्टिव इंडिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑर्गन. आपके बॉडी में, किसी भी शरीर के बॉडी के हिस्से में, बॉडी ऑर्गन में वो सिम्टम आपको दिखेगा. और नंबर ऑफ डिजीज कलेक्टिव इंडिकेशन, मतलब सारे तरह के इंडिकेशन मिल करके एक सिम्टम बनाते हैं. साइन क्या होता है, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज. सिम्टम जब आता है, देखिए मैं डॉक्टर के पास आप गए, आपको मलेरिया हो, आपको डेंगू हो, आपको कॉमन इंफ्लुएंजा हो, आपको दुश्मन को
क्या कहते हैं, मान लीजिए कोविड कोरोना हो, वायरस हो, कुछ भी हो, सिम्टम क्या है बेटे? सिम्टम है बुखार। अब मैं बोलूं फिर से, मलेरिया हो या डेंगू हो या टाइफाइड हो या कोरोना वायरस लगा हो या इस तरह के, मतलब कि कम से कम फीवर, इन्फ्लुएंजा, तो आप जैसे ही थर्मामीटर लगाएंगे तो सबसे पहले फीवर दिखेगा। तो ये सिम्टम है कलेक्टिव डिजीज का, मतलब कि फीवर है, मतलब कि बहुत सारे रोगों में ऐसे ग्रुप ऑफ डिजीज हैं जिनमें एक सिम्टम क्या है कि बुखार आता है। तो ये आप बुखार देख के नहीं बता सकते हो कि टाइफाइड का बुखार है। अब वो डॉक्टर साहब वाला टैलेंट हम लोग कहाँ से लाएंगे, मुंह देखते बता देंगे अगले ने कैंसर है। तो अच्छा, मैंने सोचा क्या बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता बेटे, वो बाबा लोग होते हैं ना, ओ महाकाल, वो सब करते हैं, सब लोग के बस का नहीं है ऐसा। क्या बच्चा क्या बोलता है, देख चावल से तुमको सोना निकाल देंगे, देखो वो निकल गया। तो मैं ये कह रहा था ना कि सिम्टम का मतलब एक कलेक्टिव इंडिकेशन, सब चीज मिल करके आता है, उसमें कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन साइन जो होगा केवल एक ही डिजीज के बारे में होगा, पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बताएगा। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिफरेंट डिजीज, और वो अलग अलग डिजीज से अलग होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, टाइफाइड जो होता है वो डेंगू से और किसी किसी बीमारी से सबसे अलग होगा, क्योंकि आप जैसे ही ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइफाइड है, दुश्मन को टाइफाइड है या मलेरिया है, क्या पता चल जाएगा ना आपको, भगवान ना करे कुछ हो। महा फालतू है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं उसमें।